नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल कंप्यूटर की नई दुनिया में। दोस्तों आज हम देखेंगे कि अपना मतदाता पहचान पत्र यानी वोटर आईडी कार्ड कैसे डाउनलोड करें। दोस्तों जिस प्रकार हम आधार कार्ड को अपने मोबाइल से खुद से डाउनलोड कर सकते हैं, उसी प्रकार अब हम वोटर आईडी कार्ड को भी डाउनलोड कर वह उसकी कलर प्रिंटिंग करा के उपयोग में ला सकते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि इसे मोबाइल से कैसे डाउनलोड किया जा सकता है। भारत निर्वाचन आयोग का एक ऐप है वोटर हेल्पलाइन ऐप, इसे हम खोलते हैं। जब आप इसे खोलिएगा तो नीचे बाएं साइड में दिखेगा आपको एक्सप्लोर का ऑप्शन, उसे हम खोलते हैं और तब आपके सामने एक ऐसा स्क्रीन दिखाई देता है जहां पे सबसे ऊपर आपको डाउनलोड ईपिक का ऑप्शन भी दिखाई देता है। अब हम डाउनलोड ईपिक पे क्लिक करते हैं और यह हमें nvsp.in के साइट पर ले जाता है, यानी कि हम अपने खुद से गूगल में सर्च करें nvsp.in या इस वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से जाएं तो यह भी हमें nvsp.in के साइट पर ही ले जाता है। तो चलिए हम nvsp.in सर्च करके देख लेते हैं कैसे मोबाइल या कंप्यूटर कहीं से भी हम डाउनलोड करते हैं। चलिए अब हम आ जाते हैं किसी ब्राउज़र पर, सर्च करते हैं nvsp.in सर्च हमने किया, ये nvsp का होम मेन पेज खुल गया। इसका होम पेज है, यहाँ पे ईपिक डाउनलोड का आपको ऑप्शन दिख रहा होगा, इस पर हम प्रेस करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा, आपसे लॉगिन आईडी मांगा जाएगा। अगर आप इसमें पहले से लॉगिन आईडी बना चुके हैं तो लॉगिन कीजिए, अगर नहीं तो यहाँ पे डोंट हैव अकाउंट रजिस्टर एज न्यू यूजर करके आपसे ईपिक नंबर और आपके मोबाइल नंबर पर ओटीपी के थ्रू आपका लॉगिन आईडी बनाया जा सकता है। ये कैसे बनेगा मैंने पहले से वीडियो बना रखा है, आप वहाँ पर जाइए और देखिए। चलिए हम इसमें जानते हैं, लॉगिन करेंगे अपना, यहाँ पर कैप्चा हम डालेंगे और अपना लॉगिन कर लेंगे। ये मैं लॉगिन हो गया, अब ईपिक डाउनलोड पे प्रेस करते हैं। देखिए मेरे सामने क्या खुला, आई हैव ईपिक या रेफरेंस आईडी। आप जब ऑनलाइन आवेदन किए होते हैं और फॉर्म 6 अप्लाई किए होते हैं तो आपके पास एक रेफरेंस आईडी आता है, आप रेफरेंस चाहे तो रेफरेंस आईडी से भी डाउनलोड कर सकते हैं या ईपिक नंबर से भी कर सकते हैं। तो ईपिक नंबर से हम करते हैं, चलिए हम कोई भी ईपिक नंबर ले लेते हैं और ये स्टेट सेलेक्ट करते हैं, स्टेट सेलेक्ट करके और सर्च मारते हैं। जो आपने ईपिक नंबर डाल रखा है उसका डिटेल्स यहाँ खुलेगा, क्या आपने जो ईपिक नंबर डाला है वो उसी का ये डिटेल्स है या नहीं, आप वेरीफाई हो ले, अगर है तो नीचे आप देख पा रहे होंगे प्लीज़ ऑथेंटिकेट यूजिंग ओटीपी वेरिफिकेशन करके सेंड ओटीपी का ऑप्शन आ रहा है। तो सेंड ओटीपी हम करेंगे, आपके आपके ये वोटर आईडी कार्ड का जो नंबर है उसमें जो मोबाइल नंबर आपने ऐड किया है उसके मोबाइल नंबर का लास्ट 4 डिजिट आपको शो कर रहा है कि आपके मोबाइल नंबर का लास्ट का चार अंक ये है, इस पर ओटीपी गया है, आप उस पर ओटीपी करके यहाँ पे वेरीफाई पे क्लिक प्रेस कर देंगे। जैसे मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, ठीक है, वेरीफाई करने के बाद नीचे यहाँ पे आएगा, इसी जगह आएगा डाउनलोड योर ईपिक, वो खुल जाएगा, ठीक है, उस पर आप डाउनलोड पे प्रेस करेंगे तो आपका ईपिक अब डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद आइए हम देखते हैं आपका ईपिक कैसा दिखेगा। इस तरह का दिखेगा आपका ईपिक। अब आप अपने ईपिक को कलर प्रिंटिंग कराकर आधार कार्ड के जैसे ही इसे प्रिलिमिनेशन करा के अब आप इसे उपयोग कर सकते हैं।